Good morning. Today we are going to read this poem, An Epitaph by Walter de la Mare. An Epitaph by Walter de la Mare. So the poem is An Epitaph by Walter de la Mare. पहले वाल्टर डीला मेयर के विषय में देख लेते हैं. वाल्टर डीला मेयर बॉर्न इन 1873 डायड इन 1956 वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ चार्टन इन केंट इंग्लैंड. ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंडन. ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपरनेचुरल. तो वहाँ पर वो क्या किए कि उन पिताजी की मौत हो गई, लंदन चले गए रहने. वो जो लिखे बहुत ही सेंसिटिव बातें लिखी उन्होंने, वो थे बच्चों के लिए भी उन्होंने लिखा है और सुपर नेचुरल के विषय में भी. सुपर नेचुरल मतलब या तो भूत के विषय में या भगवान के विषय में, जो बियॉन्ड ये आदमी के ऊपर चाहे नीचे, सुपर नेचुरल. तो हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक स्पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज ए नोट ऑफ मेलेंकोली. मेलेंकोली मीन्स सैडनेस. उनके गीतों में, उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में एक दर्द की अनुभूति होती है. दर्द की अभिव्यक्ति उनकी खासियत रही है. द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ. यह महान कवि हमें मॉडर्न लाइफ का जो इनह्यूमन कंडीशन है, अमानवीय स्थिति जो है आधुनिक जीवन की, उसकी तरफ हमारा ध्यान खींचा है. He shows his genius by evincing fresh interest in all themes. हर थीम में, हर विषय वस्तु में उन्होंने अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी है. उन्होंने कीन इंटरेस्ट पैदा किया है, एक स्वच्छ प्रस्तुति देने का प्रयास किया है. Queen Elizabeth II honored him with the Order of Merit in 1953. महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें मेरिट इन 19 ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया था. कब? तो 1953 में. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि जब कोई मर जाता है, व्हेन समवन डाइज, और उसकी लाश को हम कब्र में दफन कर देते हैं, तो जहां दफन करते हैं उसके ऊपर एक पत्थर का बनाया जाता है जिस पर लिखा जाता है उस व्यक्ति के विषय में कुछ श्रद्धा संबंधी बातें. श्रद्धा सुमन शब्दों के अर्पित किए जाते हैं. तो जो बातें उन उस व्यक्ति के विषय में लिखी जाती हैं, उस व्यक्ति की खूबियों से संबंधित होती हैं, तो उसको बोलते हैं एन एपिटाफ. एपिटाफ वही है, श्रद्धा सुमन कहिए, शब्दों का वर्ड लिखे जाते हैं किसी के मरने के बाद, जिसको दफन किया जाता है, उसके बाद जो वहाँ स्टोन लगाया जाता है उसके ऊपर लिखा जाता है उनके विषय में कि हाँ मरने वाले ये हैं, उन्होंने ये काम किया. तो ऐसी कविताओं को हम लोग बोलते हैं एन एपिटाफ. एपिटाफ ठीक है. एपिटाफ क्या है? एपिटाफ वही है आफ्टर द डेथ ऑफ समवन वी राइट समथिंग दैट इज एज ए मेमोरियल. सो वी विल सी हियर लाइन बाय लाइन एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग. समवन हैज डाइड एंड आफ्टर द डेथ द पोएट वाल्टर डी ला मेयर हैज कंपोज्ड दिस पोएम. समवन हैज डाइड, द पोएट कंपोज्ड अ पोएम for the memory of, in the memory of that person who is dead here, who has been buried in the grave, वो ग्रेव में है, कब्र में है, तो उसके लिए उसकी याद में शब्दों के ये श्रद्धा सुमन हमारे महान कवि डी ला मेयर ने उनके लिए अर्पित किए. तो ये कविता है, देखते हैं इसको. Here lies a most beautiful lady. दफन जहाँ है वो लेडी, उसके ऊपर जो ताबूत बना, उसके ऊपर जो पत्थर बना, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है उनकी याद में वो शब्द है. हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी. यहाँ परी हुई है, यहाँ सो रही है एक बहुत ही खूबसूरत महिला. लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट. जब वो थी, व्हेन शी वाज लिविंग दैट टाइम शी वाज जस्ट लाइक ए लाइट ऑफ स्टेप मीन्स एक्शन एंड दिलेरी हार्ट. वो दिलेर महिला थी, वो एक्शन वाली महिला थी. जो महिला मरी, जो कब्र के नीचे है, दफन है, उसके लिए उन्होंने लिखा हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी. लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज शी, शी वाज ए लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट. स्टेप मीन्स एक्शन, वो कुछ करने वाली थी, करती थी. हार्ट दिलेर महिला थी.
दिलदार महिला थी, वो एक्टिव थी, कुछ करती थी, पावर वाली थी, दिलेर थी, दिलदार महिला थी, ब्यूटीफुल लेडी थी, खूबसूरत महिला थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। द पोएट इज सेइंग दैट द ब्यूटीफुल लेडी वॉज द मोस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल वन। यहाँ जो जो जिस लेडी को दफन किया गया है वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी थी। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, इस पूरे पश्चिम जगत में उससे खूबसूरत महिला कोई ना रहेगी होगी। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, इस पूरे वेस्ट कंट्री में इनसे खूबसूरत महिला कोई नहीं रही होगी निश्चित रूप से। द पोएट इज सेइंग दैट बट ब्यूटी वैनिशेज, लेकिन देखो दुनिया का हाल क्या है, ब्यूटी बर्बाद हो जाता है। ब्यूटी वैनिशेज, सुंदरता नष्ट हो जाती है, गायब हो जाती है। ब्यूटी पासेज, ब्यूटी पास हो जाती है, बीत जाती है, मर जाती है। हाउ एवर रेयर, भले ही वो रेयर है, ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटी बहुत कम होता है दुनिया में, खूबसूरत चीज़ें बहुत कम होती हैं, वो चांद और सितारे कम हैं संख्या उनकी, मतलब ब्यूटी बहुत कम, रेयर इट बी, कितना रेयर है, बहुत कम, विरले। एंड व्हेन आई क्रम्बल, द पोएट इज सेइंग अबाउट हिम, कि जब मैं मर जाऊंगा, व्हेन आई क्रम्बल, व्हेन आई विल डाई, हु विल रिमेम्बर, देन हु विल रिमेम्बर, हु विल मेमोराइज दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। तो मेरे मरने के बाद इस कवि, इस लेडी को कौन याद करेगा, मतलब पोएट समझता है, वो इसको इतना प्यार करता है कि वो समझता है कि मैंने तो इनके विषय में ये सब कुछ लिख दिया, लेकिन मरने के बाद कौन जानेगा इनको, बताइए। वो चिंता में है कि कहीं मरने के बाद उनको लोग भूल ना जाए, तो उस महान लेडी को या को लोग भूले नहीं, तो उनकी याद में इन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और बाहर उस कब्र के ऊपर, स्टोन के ऊपर ये सारा कुछ लिख दिया गया। क्या लिखा गया, तो वह पोएम। और मरने के बाद किसी की याद में जो मेमोरी के तौर पर पोएम लिख देते हैं उसे बोलते हैं एपिटाफ। तो यह है एन एपिटाफ। एपिटाफ इज अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ सम नियर एंड डियर वन। एंड सो हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज शी, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। बट ब्यूटी वैनिशेज, ब्यूटी पासेज, हाउ एवर रेयर, रेयर इट बी। And when I crumble, who will remember this lady of the West Country? Okay, this is epitaph written in the memory of a lady who had died, who had been very, very beautiful, who was the step and who was the light of a step and heart. But she was vanished. She had passed. Why? Because beauty passes. So although beauty is very rare, beauty is rare, rare it be, but poet is sad also, he thinks when he will die, then who will memorize this great lady. So these lines have been composed and this is called epitaph. So I think that this poem is quite clear. Any question will come, you will write down about this. The most important question is, what is an epitaph? And after that, the summary of the poem. The lady was very beautiful, very light of step and heart. She died. The poet is saying that beautiful things, they vanish. So in the same way, that lady has died. And beauty is very rare. But even after being rare, it dies, it passes away. But he said also that when he would die, I crumble, he would die. Then who will memorize this great lady of the West Country? So this poem has been completed. After that, in next video, I will give you the question answer. No doubt, before your examination, I will present the questions answer of all the important poems, important chapters. I will present before you a guest paper also, in which you will get all the important questions, which will surely help you. So आप इसको देखते रहिए, आने वाले समय में मेरा वीडियो आपके समक्ष फिर आएगा, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आपको एग्जाम में निश्चित रूप से 100% सक्सेस मिलेगा। तो आप इसको व्यू करते रहें। थैंक यू फॉर व्यूइंग, हैव ए नाइस डे।